हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को एक बेसिक एनिमेशन सिखाऊंगा जो फ्यूज़न में होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसी के अंदर एक फीचर है। ये आपने देखा होगा कभी कभी किसी एक वीडियो में, या कहीं पर गियर्स घूम रहे होते हैं, या फिर कोई गाड़ी है इधर उधर से चल रही है, पहिए घूम रहे हैं, तो उस तरह की छोटी छोटी एनिमेशन जो होती है वो मैकेनिकल एनिमेशन, बेसिकली मूवमेंट जो है वो इसी के अंदर ही होता है। एक फीचर है इसमें जो मैं आपको कैसे होता है वो बना के दिखा दूँगा, जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं एक डिज़ाइन बना लेता हूँ, इस पार्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, फिर मैं एनिमेशन दिखाऊँगा। ठीक है, थैंक यू। ये है वो डिज़ाइन जो उसको मैं एनिमेट करके दिखाऊंगा आपको। ये बेसिक सा डिज़ाइन है, ऐसे दिखता है। तो बेसिकली मुझे ये दिखाना था कि व्हील्स जो है वो घूमते हुए मूव हो रहे हैं, इस तरह से कुछ दिखाना था। तो दैट्स इट, तो इसको एनिमेट करते हैं। तो इसके लिए आप डिज़ाइन में जाएंगे, और यहाँ पे एक एनिमेशन है, फोर्थ टूल जो है, तो एनिमेशन सेक्शन में आ गए। तो यहाँ पे कैमरा एंगल सेट हो गया, यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले कंपोनेंट को मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा, क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म, और इसको मुझे 5 सेकंड का एनिमेशन चाहिए। तो 5 सेकंड तक मैं ले जाता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहला काम जो है वो है पिवट सेट करना। तो पिवट को मैं सेंटर में ले आया, यहाँ पे टिक कर दिया। और अभी जो मूवमेंट है, जब गाड़ी आगे चलती है तो ये व्हील्स जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होते हैं, तो इस तरह से कुछ होता है। तो इतने धीरे धीरे, तो 160 डिग्री तो बहुत कम है। इसको मैं करता हूँ 360 × 6। ओके, तो ये हमारे पास एक मूवमेंट, हाँ ये कैमरा मूवमेंट था, उसको मैंने डिलीट कर दिया, ये आ गया। तो अगर मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, एज इट इज पीछे वाले व्हील को भी करना होगा। ठीक है, तो आगे वाले व्हील का जैसे हुआ था, मैंने पीछे वाले व्हील का रिपीट कर दिया। तो अभी क्या है कि अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये व्हील ही घूम रहे हैं, कार तो नहीं मूव हो रहा। चलिए कार नहीं है, कार से तो लग भी नहीं रहा, बट हाँ अभी अगर मुझे दिखाना है तो आपको एक कैमरा मूवमेंट ऐड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सिंपल है, इसको आप होल्ड करके मूव कर लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे हमें कैमरा मूवमेंट मिल गया। अब देखिए, ओके, तो एनिमेशन रेडी हो गया। अब इसको अगर पब्लिश करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, तो पब्लिश में क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, वीडियो रेजोल्यूशन और बाकी सारी चीज़ें। अगर आपको देखना है कि शायद ये AVI में एक्सपोर्ट होता है, तो इसको ओके में क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि AVI में ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, और आप इसको बाद में अपनी किसी वीडियो प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू। एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक थोड़ा सा और एक एडवांस लेवल का एक एनिमेशन बना के दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।